हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइटोक्रोम P450। तो साइटोक्रोम P450 बेसिकली होता क्या है, ये एक पिगमेंट होता है जो कि प्लांट्स, एनिमल्स और बैक्टीरियाज में पाया जाता है। राइट, एक पिगमेंट है जो कि प्लांट्स, एनिमल्स और बैक्टीरिया में पाया जाता है। सबसे पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात करें कि इसमें 450 का सिग्निफाई कर रहा है, इसका मतलब है कि जो पिगमेंट है ये रेडिएशंस ऑफ 450 नैनोमीटर को एब्जॉर्ब करता है। तो ये जो पिगमेंट है ये एब्जॉर्ब करता है, इट एब्जॉर्ब्स रेडिएशंस ऑफ 450 नैनोमीटर। राइट, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें कि 450 नैनोमीटर के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके करता क्या है, ये ट्रांजिशन करता है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। तो इस इतनी नैनोमीटर के लाइट को एब्जॉर्ब करने में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन करता है, और इस ट्रांजिशन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो बैंड मिलता है उसे हम बोलते हैं सॉरेट बैंड। राइट, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो बैंड होते हैं उसे हम बोलते हैं सॉरेट बैंड। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके फंक्शन की, तो साइटोक्रोम P450 का जो मेन फंक्शन होता है, ये काम करता है मोनोऑक्सीजिनेज का, मोनोऑक्सीजिनेज का ये काम करता है। विच मीन्स कि ये जो है ये ऑक्सीजन को ब्रेक करके इसमें से एक ऑक्सीजन एटम को इंसर्ट करता है सबस्ट्रेट में। सबस्ट्रेट में ये एक ऑक्सीजन एटम को इंसर्ट करता है O2 को ब्रेक करके। लेट्स सी हाउ। सपोज मेरे पास कोई सबस्ट्रेट है CH। अब ये जो साइटोक्रोम P450 है ये ऑक्सीजन को ब्रेक करेगा और ये COH बनाएगा, यानी कि C और H में इसने एक ऑक्सीजन को इंसर्ट कर दिया। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की। सपोज मेरे पास कोई हाइड्रोकार्बन है, इसमें मैंने ऑक्सीजन ऐड किया है इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, और साइटोक्रोम P450 क्या करेगा, साइटोक्रोम P450 इसको OH एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन टू एल्कोहल। ये इसका काम होता है, प्लस वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाएगा। सो दिस इज द फंक्शन। सो ये किस तरह का काम कर रहा है साइटोक्रोम P450, ये मोनोऑक्सीजिनेज का काम कर रहा है, ये काम कर रहा है मोनोऑक्सीजिनेज का। मीन्स ये ऑक्सीजन को ब्रेक कर रहा है, ऑक्सीजन को ब्रेक करने के बाद एक एटम को इसमें इंसर्ट कर रहा है। इसके अगर मैं सेकेंड एग्जाम्पल की बात करूं, तो सपोज मेरे पास है यहाँ पे एल्डिहाइड, और ये एल्डिहाइड क्या करेगा, ये जो साइटोक्रोम P450 है ऑक्सीजन को ब्रेक करेगा, और हम इसमें इसकी हेल्प लेते हैं 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो साइटोक्रोम P450 इस CH में एक ऑक्सीजन को इंसर्ट कर देगा। राइट, तो हमारे पास जो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास बनेगा दिस प्लस वाटर। सो हमारे पास एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं यूजिंग साइटोक्रोम P450। सो दिस इज द फंक्शन। क्या किया इसने, दोबारा से ऑक्सीजन को ब्रेक किया, इसके एक एटम को CH में इंसर्ट कर दिया। अगर मैं इसके तीसरे फंक्शन की बात करूं, तो ये क्या करता है, ये एल्कीन टू इपॉक्साइड देता है, एल्कीन से इपॉक्साइड देता है। लेट्स सी हाउ। सपोज मेरे पास कोई एल्कीन है R1, R2, R3, R4, कोई भी मैंने एल्कीन ले ली। इसमें जब हम ऑक्सीजन ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ 2H पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, और साइटोक्रोम P450 पिगमेंट के प्रेजेंस में ये क्या करेगा, ये इसका यहाँ पे ऑक्सीजन इंसर्ट कर देगा। राइट, सो यहाँ पे हमारे पास बनता है इपॉक्साइड फ्रॉम एल्कीन। सो ये तीन फंक्शंस हमने देख लिए। सबसे पहला फंक्शन कौन सा था, सबसे पहला था कि हाइड्रोकार्बन से एल्कोहल दे रहा है, सेकंड फंक्शन है एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है, और तीसरा फंक्शन है कि एल्कीन टू इपॉक्साइड जा रहा है। राइट, सो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट में कि ये जो साइटोक्रोम P450 होता है ये हमारी किडनी में पाया जाता है। तो ये करता क्या है, ये जो हमारे पास इनसॉल्युबल, हमारी किडनी में जो इनसॉल्युबल हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये इसको कन्वर्ट कर देता है सॉल्युबल ROH में, जो कि यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं, जो कि यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो ये इसका फंक्शन है। तो बेसिकली कहाँ पाया जाता है, एनिमल्स में किडनी में पाया जाता है, एनिमल्स में, ह्यूमंस में किडनी में पाया जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इसकी स्ट्रक्चर। अब साइटोक्रोम P450 के स्ट्रक्चर की बात करें, तो दिखने में थोड़ा थोड़ा हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन जैसा है। तो सेंटर में आयरन है। राइट, इसके चार पोजीशंस पे नाइट्रोजन है, और जो कि एक पार्ट है पोरफायरिन रिंग का। ये जो नाइट्रोजन है ये पोरफायरिन रिंग का पार्ट है। इसकी एक पोजीशन पे हमारे पास वाटर होता है, और इसकी एक पोजीशन पे सल्फर होता है, जो कि सिस्टीन प्रोटीन से अटैच होता है। राइट। सो यहाँ पे जो आयरन होता है आयरन 3 होता है और ये होता है हमारे पास लो स्पिन में। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये साइटोक्रोम P450 की स्ट्रक्चर है। क्या क्या इसमें आयरन 3 में होता है और कैसा होता है, ये लो स्पिन होता है। और इसकी 5th कोऑर्डिनेशन साइड पे सल्फर होता है जो कि 16 प्रोटीन से अटैच होता है और 6th कोऑर्डिनेशन साइड पे वाटर होता है। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, इसकी स्ट्रक्चर हुई ऑक्टाहेड्रल, राइट। अब हम बात करते हैं इसके मॉलिक्यूलर मास की। तो इसका जो मोलर मास होता है वो अप्रोक्सीमेटली 50,000 होता है। इसका मोलर मास होता है अप्रोक्सीमेटली 50,000। अब हम बात करते हैं इसकी कैटालिटिक साइकिल की। अब हम बात करते हैं कैटालिटिक साइकिल ऑफ साइटोक्रोम P450। तो हमने फंक्शन तो देख लिया। इसका फंक्शन क्या है कि इसने RH में ROH को इंसर्ट करना है यूजिंग ऑक्सीजन, 2H पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। और काम किसका होएगा, साइटोक्रोम P450 का काम होएगा। तो अब हम इसे एक मैकेनिज्म के थ्रू देखते हैं कि हमारे पास सपोज यहाँ पे है हमारे पास Fe, राइट। और यहाँ पे मैं ठीक है हमने सबसे पहले लिया Fe। One second, let me draw this. तो Fe के साथ अटैच है यहाँ पे वाटर और यहाँ पे अटैच है इसका सल्फर थ्रू सिस्टीन एंड यहाँ पे हमारे पास जो आयरन है वो 3 में है। मैं यहाँ पे पोरफायरिन रिंग नहीं शो कर रही बट इट्स ऑब्वियस कि आयरन जो है पोरफायरिन रिंग से अटैच है। तो नेक्स्ट अब हम इसके साइकिल को शो कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें हमने सबस्ट्रेट डाला RH, राइट। जब हमने इसमें सबस्ट्रेट डाला तो इसमें से वाटर रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह पे आ जाएगा RH। तो अब हमारे पास बना RH, यहाँ पे है Fe, Fe 3 में है और ये अटैच है किससे, सल्फर के सिस्टीन से और साथ में पोरफायरिन रिंग तो अटैच है ही है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में इसमें हमारे पास ऐड होगा इसमें एडिशन होगी हमारे पास इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड करना है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये Fe3 को Fe2 में कन्वर्ट कर देगा। RH Fe2 पोरफायरिन रिंग ऐसे कैसे अटैच है, सल्फर थ्रू सिस्टीन है, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने ऐड करना है ऑक्सीजन। एक एक करके हमने इन सबको ऐड करना है। तो अगर हम इसमें ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तब हमारे पास क्या होगा, RH will be as it is। अब ये जो Fe है ये Fe3 में कन्वर्ट हो जाएगा, पोरफायरिन सल्फर सिस्टीन will be as it is। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये ऐसे सुपर ऑक्सो फॉर्म में अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि इसमें अब हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में एक और इलेक्ट्रॉन को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे सुपर ऑक्सो से पर ऑक्सो बन जाएगा। लेट्स सी हाउ, Fe3 ही रहेगा, पोरफायरिन रिंग है, सल्फर सिस्टीन से अटैच है और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा पर ऑक्सो। नेक्स्ट स्टेप में अब इसमें क्या होगा, हमने 2H+ को ऐड करना है और यहाँ से वाटर की रिमूवल हो जाएगी। 2H+ को हमने ऐड किया, वाटर की रिमूवल होगी, मींस एक ऑक्सीजन बच जाएगा और Fe डबल बॉन्ड O और ये Fe5 में चला जाएगा। RH will be as it is, सल्फर सिस्टीन will be as it is, पोरफायरिन रिंग तो अटैच है ही है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा इसमें, नेक्स्ट स्टेप में हमने इसमें ऐड करना है वाटर और यहाँ से हमारे पास रिमूवल हो जाएगा ROH का। वाटर ऐड किया, ROH का रिमूवल हो गया तो हमारे पास बना क्या, वापस से हमारे पास यही पोरफायरिन रिंग जो कि जिसमें आयरन 3 स्टेट में है और एक कोऑर्डिनेशन साइड पे वाटर है और एक कोऑर्डिनेशन साइड पे सल्फर है जो कि सिस्टीन से अटैच है। सो दिस इज द होल कैटालिटिक साइकिल। आई होप कि आपको समझ आई होगी। बेसिकली किया क्या, हमने सबसे पहले साइटोक्रोम P450 से स्टार्ट किया। इसमें हमने अपना सबसे पहले स्टेप में सबस्ट्रेट ऐड किया, सेकेंड स्टेप में हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया, थर्ड स्टेप में हमने ऑक्सीजन ऐड किया, फोर्थ स्टेप में हमने अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड किया, फिफ्थ स्टेप में हमने इसमें 2H पॉजिटिव ऐड किया और सिक्स स्टेप में जो है हमने ROH अपना प्रोडक्ट ले लिया। मतलब RH से ROH में कन्वर्जन हो चुकी है जो कि किसने की है, साइटोक्रोम P450 ने की है। सो दिस इज ऑल अबाउट कैटालिटिक साइकिल ऑफ साइटोक्रोम P450 और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने सब डिस्कस कर लिए हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, क्लियर होगा ये सारा टॉपिक। एंड इफ यू लाइक आवर वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।